जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और टीपू दाना की जो सब इंस्पेक्टर थी, प्रभारी थी संध्या टोप ने, उनका बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, बहुत ही हत्या एक्चुअली हुआ है। जो गौ तस्कर थे उन्होंने उनको अपने गाड़ी के चपेट में लिया और इतने, आपको बता दें, 100 मीटर तक रौनते हुए उनको ले गए और उनको जान से मार डाला। कहीं ना कहीं अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं प्रीप्लान साजिश है। खैर क्या है उसके लिए तो कौशल किशोर एसएसपी के देखरेख में एक एसआईटी टीम का गठित हुआ है और वो तो जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन हम फिलहाल आपको आज फिर से एक अपडेट देने के लिए रेडी है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे, मैं विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगी कि ये वो एरिया है। जी हाँ, हम वो जगह पर मौजूद है जहाँ पे संध्या टोपने का मर्डर किया गया था, हत्या किया गया था। ये वही वो जगह है। मैं चाहूंगी अपने सहयोगी को थोड़ा पास आए और वो दिखाए कि किस तरीके से उनको रौंदा गया। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से घास जो है वो भी पूरा छिल गया है, इतने तेज रफ्तार में जो है वो गाड़ी आई है। आप इधर आके देख सकते हैं, मैं चाहूंगी विजुअल के माध्यम से दिखाइए। देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो लाइन से आपको थोड़ा एक रेखा नजर आ रहा होगा, सारी हरी घास है लेकिन आपको थोड़ा सा डिवाइडेड टाइप का नजर आ रहा होगा, ये लाइन से यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा वो पिकअप वैन का जो मोटा चक्का है ये उसका निशान है। ये लाइन से आप साफ तौर पर देख सकते हैं वो पिकअप वैन का निशान है और ये पिकअप वैन ने संध्या जी को वहां तक, मैं चाहूंगी थोड़ा विजुअल कैमरा मैन थोड़ा उधर दिखाए, वहां तक उतने जहाँ मेरी स्कूटी उससे भी थोड़ा 100 मीटर आगे तक उनको घसीट के, जी हाँ, संध्या टोपने को घसीट के गाड़ी के थ्रू ले गया और वहां पे वो मैडम मिली है। उनका पैर दोनों टूटे हुए थे और साथ ही बहुत लहूलुहान, बहुत ही क्या बोले, अधभरे अवस्था में उनको समर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से उनको फिर रिम्स रेफर किया गया लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको मृत करार दिया गया। आपको बताते चले इनके फैमिली बहुत पास में रहते हैं और परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने पास में हम रहते हैं तो फिर हमें क्यों नहीं सूचना दिया गया, हमें क्यों नहीं पहले बताया गया। बल्कि जब उनकी सांसें रुकी, जब उनकी बहन का कल हमने आपको इंटरव्यू अपने चैनल में दिखाया था, उनकी बहन ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सांसें चल रही थी जब वो समर हॉस्पिटल में थी लेकिन उसके बावजूद भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। बल्कि उनका घर, आपको बता दें, समर हॉस्पिटल से 2 कदम की दूरी पर घर है। और इसके साथ ही बंधु तिर्की जितने भी आदिवासी नेता है वो सारे शोक व्यक्त करे लेकिन बात यहां पर यह है कि इतनी सुनसान जगह में, जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहां पर कोई परिंदा आप देख सकते हैं पर भी नहीं मार रहा है। अगर आप ध्यान से देखें हमारे वीडियोस, मैं दिखाना चाहूंगी अपने विजुअल के माध्यम से, आप देख सकते हैं सिर्फ आवाजाही गाड़ी है और वो गाड़ी है जो दूर दराज इलाके से आती है। आपको यहाँ पे दिन में डंफर नजर आ जाएंगे, डंफर यहाँ से रेगुलर आता जाता है या फिर जैसा आपने देखा कि ह्यूमन एनिमल ट्रैफिकिंग का जो गाड़ी था वो पार हो रहा था। लेकिन बहुत सारे कहीं ना कहीं सवालिया निशान, संध्या टोपने का जो मौत है बहुत सारे सवालिया निशान अपने पीछे छोड़ते जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब थाना में 10 थानेदार थे, 10 आदमी थे, तो फिर एक अकेली महिला को रात में 3 बजे भेजने की क्या जरूरत पड़ गई, पहली बात। और दूसरी बात थी कि अगर वो थी तो उनके साथ एक इतने सिक्योरिटी गार्ड या फिर वो पूरा बल क्यों नहीं था, इस तरीके से अकेली केवल 2 हवलदार के साथ जो लाठी लिए हुए, इतना ये बहुत बड़ा लापरवाही कहीं ना कहीं बताता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी बहन ने जैसा आरोप लगाया कि बहुत टॉर्चर किया जाता था संध्या को, बहुत ज़्यादा उन पर काम का बर्डन दिया जाता था, इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है जिसका सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम स्पॉट पे पहुंचे और हम जैसा देख पा रहे कि बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे मैं जब रिपोर्टिंग करने आ रही थी तो कहीं ना कहीं थोड़ी हिचक थी कि इतनी दूर कैसे आऊंगी अकेले। मुझे अपने साथ अपने एक सहयोगी को लाना पड़ा क्योंकि अकेली लड़की को यहाँ पे दिन में आना, जी हम आपको बता दें अभी दिन के 12:30 बजे यहाँ पे आने में एक अकेली लड़की को बहुत डर लगता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि रात के 3 बजे यहाँ पे अगर कोई महिला अकेली आती है तो क्या मंजर रहा होगा, क्या उस समय सिक्योरिटी का बहुत बड़ा अपना एक सवालिया निशान खड़ा करता है। बीजेपी ने भी कई सारे प्रश्न सरकार से पूछे हैं, आरोप लगा रहे हैं, एसआईटी टीम का गठन भी हो गया है, क्या कुछ जांच रिपोर्ट आएगा ये हम आपको बताएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि गौ तस्कर का वो जो पिकअप वैन था वो गौ तस्करी का था, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि गाय भी बहुत लोडेड थी लेकिन उसके बाद 2 लोग तो एक गिरफ्तार हुए, उनसे पूछताछ भी चल रही है। और गिरफ्तारी में ये भी निकल के सामने आ रहा है कि 3 लोग गिरफ्तार हुए, 3 लोग शामिल थे इसमें, एक्चुअली पिकअप वैन में 3 लोग थे जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई है, माफ करिएगा, 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है। और उनसे जब पूछताछ हुई है, ये आज की एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है कि जब उनसे पूछताछ हुई तो उनका ये कहना है कि हमें ये निर्देश दिया गया था कि तुम्हें गाड़ी चलाते जाना है बिल्कुल अपने तेज रफ्तार में और रास्ते में कोई भी आएगा, जो भी आए उसको आपको
मार देना है, आपको गाड़ी रोकना नहीं है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, चाहे कोई भी आ जाए। तो इस तरह की बातें जो निकल के सामने, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है हमारे पास, हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे सहयोगी। ये देखिए एक ब्रेकिंग अभी तुरंत है हम आपको देना चाहेंगे। रांची में महिला सब इंस्पेक्टर हत्या मामले में फरार गौतस्तर शाहिद सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जी ये अभी तुरंत की खबर मैं आपको दे रही हूँ, एकदम लेटेस्ट अपडेट है कि महिला सब इंस्पेक्टर की हत्या गौतस्तर शाहिद सहित, जी हाँ ये शाहिद है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है अभी, तीनों को, यानी कहीं ना कहीं तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये थोड़ी सी सफलता पुलिस ने, यहाँ चलो थोड़ी सी सफलता दिखाई है, पुलिस की सफलता है, लेकिन बात है कि इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, जजमेंट में इतना देरी आएगा, क्या होगा बताएंगे। लेकिन पिकअप वैन जो है, जिस तरीके से इन लोगों ने जो खुलासा किया है वो ये था कि रोकना नहीं था गाड़ी को सामने कोई भी आ जाए, ऐसा उनको निर्देश दिया गया था अपने आका से। अब उनके यही सवाल कि आखिर उनके आका कौन है, ऊपर कौन बैठा है जिन्होंने ये तरह दर्दनाक निर्देश दिया था कि गाड़ी को बिल्कुल घसीटते हुए ले चलना है लेकिन कोई रोकना नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द जांच हो और जल्द से जल्द सच्चाई जो है वो सामने आए, क्योंकि ऐसी ऐसी महिलाएं, आप अभी हाल में रूपा तिर्की का मामला जो है अभी तक वो शांत नहीं हुआ है, उसका फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है, तो अभी संध्या टोपने का नया मामला निकल के सामने आया। अगर महिलाओं, एक तो महिला बहुत जज्बा के साथ पुलिस लाइन में आती है, जनरली हिचकती है, और जब आती है तो अगर ऐसी हरकत होगी तो कहीं ना कहीं आने वाला जो जनरेशन है उसका मनोबल जरूर डाउन होगा। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए और स्पेशली संध्या टोपने के मामले में अपडेट के लिए आप बने रहे जीएन भारत के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।